give this heading, orbital speed of a satellite. Orbital speed of a satellite. अरे सैटेलाइट कैसे घूमते हैं? पायलट बैठा रहता है उसमें ना, अपने आप कैसे घूम जाते हैं गोल? उसको जागना पड़ता होगा अलार्म लगा के कि अभी तुम चलाओ, अभी मैं चलाऊंगा। पेट्रोल कहां भरवाते हैं फिर वो लोग? वापस आना पड़ता होगा। हाँ बोलो, तुम तो सब बड़े हो, तुम्हें पता होना चाहिए पेट्रोल पंप कहां रहते हैं उनके। एक सेकेंड, हाँ अब बोलो। पहले क्या पायलट बैठे रहते हैं क्या उसके अंदर? फिर अपने आप कैसे चलते हैं? अच्छा पेट्रोल के लिए क्या करते हैं? पेट्रोल क्या सोलर एनर्जी इतनी ज्यादा है कि घुमाते रहेंगे? इतनी अगर एनर्जी ज्यादा तो हमारी गाड़ी क्यों नहीं चलती? सोलर एनर्जी से मैं मानता हूं कुछ कुछ वहां यूज होता है, पर वहां पर वो घूमता कैसे रहता है? उसके लिए पेट्रोल की या एनर्जी की जरूरत? ऐसी पूछ रहा हूं। पेट्रोल की जरूरत नहीं है, कोई पेट्रोल की जरूरत नहीं है, कोई डीजल की जरूरत नहीं है, किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं है, वो बस घूम रहा है। अरे तो फिर घूम कैसे रहा है? बता रहा हूं, रुको, अभी बता रहा हूं। अर्थ सैटेलाइट को ले गए उस जगह पर, यहां तक ले जाने में वी नीड सम रॉकेट समथिंग लाइक दिस विच कैन टेक द सैटेलाइट टू द, यहां ले गए। अब यहां पर सैटेलाइट को टेंजेंट की दिशा में एक पर्टिकुलर क्या दी गई? वेलोसिटी दी गई विद द हेल्प ऑफ रॉकेट एंड प्रोपेलर्स दी गई, और फिर रॉकेट को ऑफ कर दिया। तो जो स्पीड है, जो अट्रैक्शन है ना अर्थ का, वो उसको रेस्ट्रिक्ट कर लेगा और बस मूव करवाता रहेगा इन अ सर्कल। उसमें फिर कोई पेट्रोल की जरूरत नहीं है। एक बार आपने धक्का दे दिया तो वो जाना तो दूर चाहेगा, पर अट्रैक्शन के कारण से वो दूर नहीं जाएगा और रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा एक सर्कल में, और उस स्पीड को जो आपको देनी होगी दैट इज कॉल्ड द ऑर्बिटल स्पीड। तो ऐसा नहीं होता कि सैटेलाइट को यहां ले गए और छोड़ दिया और घूमने लगा। छोड़ने से नहीं घूमेगा, आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू की, एक पर्टिकुलर वैल्यू की स्पीड देनी पड़ेगी अलोंग द टेंजेंट, और देने के बाद आप ऑफ कर दो इंजन को और फिर वो घूमता रहेगा इन अ सर्कल। हाँ, अब किसी ने बोला सोलर एनर्जी, तो उस सैटेलाइट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। तो वो एनर्जी जो है वो सोलर एनर्जी के थ्रू वहां बैटरीज को क्या कर लेते हैं? चार्ज। पर वो सोलर एनर्जी घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक बार छोड़ दिया तो वो घूमता रहेगा, घूमता रहेगा और घूमता रहेगा और घूमता रहेगा। क्यों घूमता रहेगा? क्योंकि जो अट्रैक्शन वाला फोर्स है वो बस रिस्ट्रिक्ट कर लेगा और उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा इन अ सर्कल। तो बट सर्टन थिंग हैज टू बी डन, यू हैव टू टेक द सैटेलाइट टू दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट, गिव दैट कैलकुलेटेड स्पीड एंड दैट टू अलोंग द टेंजेंट एंड मेक द इंजन ऑफ, फिर वो घूमता रहेगा, उसमें कोई गाइड करने की जरूरत नहीं है। आर यू क्लियर विद इट? तो ऑर्बिटल स्पीड तो उसमें लिखो। अच्छा तो ये बताओ वो कौन सा फोर्स होगा जो उसको रेस्ट्रिक्ट कर लेगा? सेंट्रीपेटल फोर्स। किससे मिला? ग्रेविटेशन से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई नहीं होता, टीचर्स गलत पढ़ा देते हैं कि बोल के कि एक फोर्स बाहर लग रहा था। कोई फोर्स बाहर नहीं लग रहा, केवल एक ही फोर्स लग रहा है, केवल एक रियल, एंड दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जी एमी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये एक फोर्स है जो लग रहा है टुवर्ड सेंटर विच विल प्रोवाइड रेडियल फोर्स। बस फर्क ये है कि अगर तुम उस सैटेलाइट को स्पीड ना दो और केवल छोड़ दो तो वो फोर्स से अट्रैक्ट होके अर्थ के कहां जाएगा? पास आ जाएगा। मत दो, ले जाओ यहां, मत दो स्पीड, मत दो, छोड़ दो, क्या होगा? वापस आ जाएगा अट्रैक्शन से। पर स्पीड दो और वो भी एक पर्टिकुलर वैल्यू की, तो सर्कल में। सर अगर पर्टिकुलर वैल्यू से कम देंगे तो क्या होगा? वो घूमते घूमते अर्थ के पास में आ जाएगा। तो लिखो उसमें लिखो, when a satellite is doing circular motion, around planet, around earth, around earth, then
it is the gravitational force, then it is the gravitational force of attraction that would provide the necessary radial force. The satellite is taken to that particular orbit. The satellite is taken to that particular orbit, and a specific velocity is given along the tangent. Yeah, the value nikalwayenge. बच्चों यहां देखो, अब देखो फोर्स बताओ, इसको ध्यान से देखो, ये वैल्यूज कैलकुलेट कर ली जाएंगी। ये व्हाट इज जी इज अ कांस्टेंट, एम इज मास ऑफ प्लैनेट व्हिच नाउ इज अर्थ, और आर वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये इस वैल्यू, ये वैल्यू अगर दोगे अलोंग द टेंजेंट तो घूमने लगेगा इन अ सर्कल, कम दोगे तो घूमते घूमते अर्थ के पास में आ जाएगा। इतना लिखो, फिर मैं दो तीन पॉइंट बताऊंगा, देन विल एंड द क्लास। सैटेलाइट के मास पर डिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में अलग अलग, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में अलग अलग कंट्री के जो सैटेलाइट घूम रहे हैं सबको जो स्पीड दी गई होगी वो क्या होगी, सेम अलग अलग। ये बोले कि हम तेज चलाएंगे, कोई बोले हम धीरे चलाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में सारे कंट्रीज के सैटेलाइट जो घूम रहे हैं उन सबकी स्पीड क्या होगी, सेम। और जितना आर ज्यादा उतना ऑर्बिटल स्पीड कम, जितना आर जितना दूर जाओगे तो वहां पे जो स्पीड दी जाएगी एक बार वो कम, और जितना दूर जाओगे उतनी कम स्पीड देनी पड़ेगी, और देने के बाद आप हट जाओ वो अपने आप घूमता रहेगा। इतना लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। सैटेलाइट के कोलिजन्स ऐसे तो कभी नहीं हो सकते, रेयरेस्ट केस है, होना तो पॉसिबल ही नहीं। एक रीजन, पहली बात तो इसलिए कोलिजन नहीं हो सकता सैटेलाइट्स का एक ऑर्बिट में क्योंकि स्पीड्स क्या है, सेम, और सबको एक ही सेंस में घुमाया जाता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सबको घुमाने का, दे कैन नॉट कोलाइड, दे कैन नॉट कोलाइड बिकॉज देयर स्पीड्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट आर व्हाट, सेम, तो कभी वो उसके पास पहुंच ही नहीं पाएगा, घूमते रहेंगे एंड दे विल नेवर कोलाइड। और इसलिए भी नहीं कोलाइड करेंगे क्योंकि वो सबका डिसाइडेड है कि दे हैव टू बी रोटेटेड ओनली इन वन पर्टिकुलर सेंस, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट घुमाए जाते हैं सैटेलाइट्स, तो वो कोलाइड नहीं कर सकते। खराब जरूर हो जाते हैं एक बार, अब ये मुझे नहीं पता कारण कि दो तीन बार ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो डिस्ट्रॉय हो गए अपने आप, अच्छा कुछ कंट्रोल खत्म हो गया, कुछ हो गया, फिर वो अपने आप गिर गए,
कैसे गिर गए उसकी मुझे नहीं पता, कुछ वो जो भी था वो जब गिर गए, आई स्टिल रिमेम्बर, दो सैटेलाइट मेरी मेरे को पता है गिरे। एक बार जब मैं फर्स्ट क्लास पे था तब का मुझे याद, तब ऐसा हो गया था कि एक स्काईलैब करके सैटेलाइट था जो गिरने वाला था, और बस फर्स्ट क्लास के बच्चे को बोलोगे कुछ गिरने वाला है सैटेलाइट, सैटेलाइट सोचोगे तो हम डर गए कि कुछ गिरने वाला है। आई स्टिल रिमेम्बर, तब भोपाल में ये जो चेतक ब्रिज है ना, तब यहाँ पर ये जो रोड बनती है जो चौराहे से रोड वहां तक, उस जमाने में वो यहाँ कुछ नहीं था, बस वो चौराहे के बाद चौराया था, उसके आगे ज्योति तक रोड बनी थी कच्ची, उसके आगे ब्रिज नाम की कोई चीज नहीं थी। ऐसे लम्बे मैं ब्रिज के नीचे खड़ा हुआ था, ब्रिज बन रहा था, मैं ब्रिज के नीचे सैटेलाइट गिरने वाला है और ये कुछ नहीं था, सब पत्थर था यहाँ पे, इट वॉज ऑल स्टोन, नथिंग वॉज देयर। वो ब्रिज बन रहा था, ब्रिज का भी एक छोटा सा पार्ट ऐसे बना था, बनना चालू हुआ था। हाँ, एक वो सैटेलाइट गिरा था और एक अभी बीच में कभी डिस्ट्रॉय हुआ था, आई डोंट रिमेम्बर, अभी एक साल पहले, दो साल पहले की बात है। पर वो इसलिए नहीं कुछ प्रॉब्लम कर सकता कि जब वो इतनी हाइट से गिरता है तो बीच में जो एटमॉस्फेयर है वहां फ्रिक्शन के कारण से वो गर्म होके बर्न हो जाता है, इसलिए वो पूरा खत्म हो जाता है, जल जाता है वो पूरा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए डरने की अपने कोई बात नहीं है। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब इसमें एक चीज लिखो, बस एक फॉर्मूला और, एक फॉर्मूला और फिर एंड करते हैं। ऑर्बिटल स्पीड, इसी में आगे बढ़ो, फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। ऑर्बिटल स्पीड व्हेन द सैटेलाइट, हेडिंग डाल दो, ऑर्बिटल स्पीड व्हेन द सैटेलाइट इज रोटेटिंग, इज रोटेटिंग वेरी क्लोज टू द सर्फेस ऑफ प्लैनेट, वेरी क्लोज to the surface of planet. यहां बच्चों देखो, बस एक फॉर्मूला, देन यू आर फ्री। बिल्कुल बहुत करीब में घूम रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर ई, तो जो फॉर्मूला आपने बनाया छोटे आर की जगह आर ई, अच्छा काम करना है तुम्हें, बहुत अच्छी पढ़ाई, पढ़ाई इसलिए क्योंकि तुम अच्छे प्रोफेशन में जाने की कोशिश कर रहे हो, और फिर बहुत अच्छा काम करना है। इसको देखो पहले, इसको केवल देखते रहो, अर्थ के केस में अगर बहुत पास है, मुझे नहीं पता यही वैल्यू है शायद, अगर अर्थ के बहुत पास 50-100 किलोमीटर की हाइट, ज्यादा नहीं, 50-100 किलोमीटर की हाइट पे अगर सैटेलाइट है, अगर है तो, और है कुछ हाइट पे थी, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू याद करोगे, ठीक है। बस एक चीज और लिख दो फिर खत्म करेंगे। बच्चों बोर्ड पे देखना, एक तो ये फॉर्मूला है कि दो प्लैनेट्स के लिए वो बोलेंगे ये दो प्लैनेट है, दोनों प्लैनेट का मास मास देंगे, दोनों का रेडियस देंगे, और बोलेंगे दोनों के सैटेलाइट्स बिल्कुल सरफेस के पास में चल रहे हैं, तो वी का क्या बताओ, रेशियो, तो ये फॉर्मूला लगेगा। कई बार मास को मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ द प्लैनेट इनटू डेंसिटी, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा। चलिए